चलो गाइस, आज हम इस 3D मॉडल को ऐसे टेक्सचर करने वाले हैं, यानी कि ऐसे कलर करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हमें सब्सटेंस पेंटर ओपन करना होगा। ओके, मैं सब्सटेंस पेंटर ओपन किया। अभी मैं फाइल पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद न्यू। यहाँ पे मैं मेरा जो 3D मॉडल था वो मॉडल ले लूंगा। ओके, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसे रेफरेंस के साथ देखना है। तो ये रेफरेंस में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ऑलरेडी एक सिल्वर लेयर है एंड उसके ऊपर एक डायरेक्शनल स्क्रैचेस लगा हुआ है। डायरेक्शनल स्क्रैचेस मतलब ये जो स्क्रैचेस है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो इससे एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। उसके बाद एंड यहाँ पे एक हमें लोगो भी देखने को मिल रहा है। सो ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला चीज क्या है, पहला चीज एक मेटल लेयर है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो लेयर्स दिया गया है उसको मुझे डिलीट करना है। एंड अभी मैं क्या करूंगा, एक फिल लेयर ऐड कर लूंगा एंड उसका मेटलनेस को मैं इंक्रीज करूँ। ओके, फुल इंक्रीज करूँ। ये तो मेटल लेयर बन गया। उसके बाद हमें ये लाइन लाइन जैसे टेक्सचर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक अलग सा लेयर लूंगा एंड यहाँ पे ब्लैक मास्क लगाऊंगा। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके यहाँ पे छोटे सा आइकॉन दिख रहा है, इसको टेक्सचर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सो मैं जैसे कि बता रहा हूँ, एक एक स्क्रैचेस है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो जैसे नाम जैसा है वैसे ही ये भी है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शनल नॉइस आपको यहाँ पे मिल रहा है, रेडियल अनिसोट्रोपिक रेडियल डायरेक्शनल नॉइस, बहुत सारे चीजें मिलता है। सो एंड ये यहाँ पे जो अलग अलग टेक्सचर से आप लगा के ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं लगाना चाहूंगा डायरेक्शनल स्क्रैचेस। तो ये डायरेक्शनल स्क्रैचेस को लगाने के लिए जो अभी अभी हमने एक फिल लेयर लिया उस पर राइट क्लिक करूंगा, उसकी ब्लैक मास्क पर राइट क्लिक करूंगा, एड फिल, अगेन एक एड फिल कर दो। अभी मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एक ग्रे स्केल। सो अभी आप देख पा रहे हो ऑलरेडी हमारा स्क्रैच आ चुका है, बट यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये कर्व हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को। इसे फिक्स करने के लिए मैं प्रोजेक्शन पे जाके ट्राई प्लेनर कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, ये भी अगेन मेटल लेयर है, ये मेटल लेयर है बट थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको भी मेटलनेस इंक्रीज कर दूंगा, कंप्लीट मेटलनेस इंक्रीज कर दूंगा एंड थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाओ। ओके, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद ये हमें कुछ ऐसा लगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ एक लोगो लगा हुआ है, ये लोगो है मिल्टन का। सो ये लोगो हमें गूगल करने से इंटरनेट पे मिल जाए। सो मैंने ये लोगो को गूगल कर लिया है। अभी मैं इसे राइट क्लिक करके सेव एज क्लिक करूँ। ओके, मैं ये फाइल को सेव कर लिया। अभी क्या करना है हमें, एकदम डायरेक्टली ये फोटो को हम यूज नहीं कर सकते, ये टेक्सचर को हम डायरेक्टली सब्सटेंस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसको पहले अल्फा बना के अंदर लेना पड़े। सो अल्फा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं मुझे पहले फोटोशॉप खोलता हूँ एंड फोटोशॉप खोलते ही यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँ। मैं इसको पिक्सल्स पे सेट करूंगा 2048 2048, एंड सेटिंग्स जो है बाय डिफॉल्ट ऐसा था ऐसे ही रहने दूंगा, यहाँ पे क्लिक करूँ। तो अभी यहाँ पे अल्फा का मतलब क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट व्हाइट होता है एंड बैकग्राउंड उसका ब्लैक होता है। सो आल्ट बैक स्पेस करूंगा, ये बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर फिल हो गया है। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये एक मिल्टन का लोगो मैंने डाउनलोड किया था, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके अंदर। ओके, ये होते ही मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा एंड इसको सेव करूंगा। सेव क्या करना है गाइस, सेव भी आपको ऐसे ही करना है, मिल्टन लोगो अल्फा। ओके, रिटर्न लोगो अल्फा मैंने ऐसे सेव कर दिया है। अभी इसको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जाके प्लस मार्क पे क्लिक करेंगे, ऐड रिसोर्स पे जाके डेस्कटॉप में जाएंगे एंड यहाँ पे हम जो हमारा फोटोशॉप का फाइल था फोटोशॉप का फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड ये चीज और एक चीज पूछते हैं, इसको किस पे लेना है, लाइक ये हमने अल्फा क्रिएट करना है इसलिए अल्फा के अंदर ही इसको लेना है एंड प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर लेना है। सो अभी मैं परफेक्ट तरीके से इम्पोर्ट कर लिया। इसे यूज करने के लिए मुझे और एक तीसरा लेयर चाहिए, तो तीसरा लेयर तो मैंने ले लिया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मिल्टन का लोगो ब्लैक कलर। ओके, सो ये ब्लैक कलर लोगो को मैं सेलेक्ट करूंगा। ओके, ब्लैक कलर पे क्लिक करूंगा तो ये ब्लैक कलर हो जाए।
या तो आप यहाँ पे आके अपना मनपसंद कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं जैसे रेफरेंस को फॉलो कर रहा हूँ, रेफरेंस के हिसाब से अब ब्लैक है, सो ब्लैक ले रहा हूँ। ओके, सो मैंने ब्लैक लेयर ले लिया एंड अगेन यहाँ पे एक ब्लैक मास्क ऐड किया एंड ये मिल्टन अल्फा को सेलेक्ट। ओके, मिल्टन अल्फा पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आ गए, पे एक बार क्लिक करने से यहाँ पे लोगो आ जाए। ओके, एंड अगेन यहाँ पे तो थोड़ा लोगो और डार्क दिख रहा है, सो लोगो को और डार्क दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल लेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करो या तो फुल इंक्रीज करो, ये अभी और ब्लैक। ओके, सिंपल था ना।